अंत में मुलाकात समाप्त होने तो पहले औरंगजेब ने सतगुरु जी ने एक बार फिर पूछा। औरंगजेब ने कहा, मैं हैरान इस गल तो हां कि तुसी उस धर्म की हक में खलो के उसकी वकालत कर रहे हो जिस धर्म नूं तुसी हरगिज मनदे नहीं। मैनू यह पता है कि तुसी बुत प्रस्त नहीं हो। मैं जानता हां तुसी तिलक और जंजू के धारनी नहीं और देवी देवत्या दे तुसी पुजारी नहीं। फिर मैनू हैरानी इस गल की है कि तुसी ये सब पासे नूं बचाउण वास्ते क्यों तुले हुए जिस नूं तुसी आप दुरुस्त तस्लीम नहीं कर। सतगुरु जी ने फिर कहा, औरंगजेब गल बिल्कुल साफ है, साडा निश्चा देवी देवत्याओं ते नहीं, साडा निश्चा तिलक और जंजू ते बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर वही गल आई कि किसे आदमी नूं यह हक नहीं दिता जा सकता कि वह किसी के धर्म दियां रवायतां नूं तलवार नाल तोड़ देवे और किसी नूं धक्के नाल अपना हुक्म मनाउण वास्ते अपना धर्म मनाउण वास्ते उहदे ते सख्ती करे। यह गल रब नूं भी परवान नहीं। तारीख के पन्ने जरा पिछे नूं उल्टो, साहिब गुरु नानक देव महाराज जी की 9-10 साल की अवस्था है ते पंडित सतगुरु जी के गल विच जनेऊ पाउण वास्ते आउंदे। गुरु पिता कहिंदे ने ए जनेऊ ते प्रवान नहीं किया जा सकता। पंडित जी ये जिन्ना चिर तक जात ते सत तों ना बनया बनाया गया होवे उन्ना चिर तक जिन्ना चिर तक जनेऊ मरण के पिछों भी मनुख का साथ ना देवे, यह जिहड़ा कच्चा जनेऊ है असीं पैण वास्ते नहीं, जिहड़ा मैला हो सकता, जिहड़ा टुट सकता, जिहड़ा सड़ सकता, कोई इहो जिहा जनेऊ लियाओ जिहड़ा इस तों अगर कम देवे। यह जनेऊ असीं नहीं पाउणा, असीं इसे धारनी हो नहीं सकते। तो अजीब गल है, 9 साल की उम्र में गुरु नानक जनेऊ पाउण तों इनकारी ने, 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पिता को जनेऊ की हिफाजत वास्ते दिल्ली शहीद होने वास्ते दो दिन। गुरु नानक कहिंदा मैं जनेऊ पाउणा नहीं, कलगियां वाले कहिंदे ने मैं जनेऊ लोह नहीं देना, हैरानी है इस गल की। तारीख बोलती है, आइडियालॉजी का ख्याल वखरा सी। सिखी ने सिद्धांत प्रवान नहीं किया तिलक और जनेऊ का, लेकिन सिखी ने यह भी कदे प्रवान नहीं किया कि कोई तगड़ा किसी मारे नाल धक्का करे। सिखी ने यह भी कदे बर्दाश्त नहीं किया। औरंगजेब ने आख्या, मैं तुहाडे सामने 3 आखिरी मसले रखता, हिंदुओं का साथ छड़ दिओ, इहदे विचों कोई भलाई नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह की खुशी हासिल कर लवो और सारे हिंदुस्तान नूं दारुल इस्लाम में बदल देने वास्ते मेरी सहायता करो। ये एक गल। दूसरी गल है कि तुसी जे अपने आप नूं गुरु जां पीर पैगंबर समझ रहे हो तो करामात विखाओ ताकि मैनू यह पता लग सके कि तुसी सचमुच ही पूजनीक आत्मा हो, मैं छड़ दें। और फिर यह भी कहा कि तुहाडे पोतरे राम राय जी ने इस दरबार में करामात्मा विखा के अपने लिए बादशाह की खुशी हासिल कर ली है, तुहानू इस ते इतराज कर रहा है, तुसी भी कर दे। सतगुरु जी ने आखिया तू अपनी तीसरी गल भी कह ले। तो तीसरी यह सी कि जे तुसी करामात नहीं विखाउणी, जे तुसा हिंदुओं की हिमायत नहीं छड़नी, फिर शहीद होने वास्ते तैयार हो जाओ। गुरदेव ने आख्या ठीक है बादशाह, सानू यह सौदा प्रवान है, शहादत वाला सौदा प्रवान है। औरंगजेब ने आख्या ले जाओ इन्हें और चरणी चौक की जेल में बंद कर दो, कल देखूंगा। अगले दिन 12 मगर, मगर सुदी पंचमी, 1732 बिक्रमी, 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं 54 साल 7 महीने 10 दिन की उम्र सी मेरे गुरुदेव पिता की, चांदनी चौक में हजूर नूं लियांदा। सारा रात ढंडोरा शहर के गले कूचे फेरिया गया कि हिंदुस्तान का काफर इस्लाम नूं नाम मनन दे इल्जाम विच ते काफरां दी हिमायत करन दे इल्जाम विच कल नूं बेमौत मारिया जाना है। आओ इस्लाम दे मनन वालेओ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੱਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਵਾਰਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਮੁਸਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਨਿਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਸ਼ ਚੁਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਹੂ ਭਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ।